नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं खबरों की सुर्खियों की ओर। सूरज बाबा की आई पहली प्रतिक्रिया, सूरजपाल और भोले बाबा ने वीडियो के जरिए दिया बयान। कुलदीप यादव का घर पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत, लगे भारत माता के जय के नारे। कानपुर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, 150 मिलीमीटर बारिश का अनुमान। प्रकाश मधुकर ने दिल्ली में किया सरेंडर, पुलिस ने किया गिरफ्तार। खबरें विस्तार से। अवैध कारोबार चाहे जहां हो और जिसका हो, वो हमेशा जोखिम भरा होता है और इसका सबसे बड़ा कारण होता है मोटा पैसा आना। और जब किसी और का कंपटीशन और हस्तक्षेप व्यक्ति के हिस्से पर पड़ जाता है तो व्यक्ति ऐसी कोई भी घटना करने से गुरेज नहीं करता जिससे उसका अहित ही क्यों ना हो रहा हो। ये हम क्यों कह रहे हैं, इसको आप आगे खबर में खुद समझ जाएंगे। आपको बता दें, कानपुर नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक स्टैंड संचालक को शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर गोली मार दी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह चौराहा सैकड़ों लोगों की भीड़ से भरा होता है और चंद कदम की दूरी पर चौकी भी है और आसपास ट्रैफिक पुलिस वाले भी तैनात रहते हैं। लेकिन हौसला हत्यारोपी का इतना बुलंद कि उसको किसी का डर नहीं था और उसने इस बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। हालांकि मात्र 12 घंटे के बाद ही हत्यारोपी को गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया गया है। शुक्रवार की सुबह नौबस्ता थाना क्षेत्र के भीड़भाड़ वाले चौराहे पर एक स्टैंड संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। संचालक का नाम हरिकरण सिंह, जिसकी उम्र 55 वर्ष बताई जा रही है। गोली मारने के बाद हत्यारोपी सौरभ सचान फरार हो गया। वहीं पुलिस को जब इस घटना की सूचना मिली तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। आपको बता दें, संचालक को गोली मारने का फुटेज आसपास की दुकानों के चौराहे पर लगे कैमरे में कैद हो गया। पुलिस फुटेज को देखकर आरोपी की तलाश में लगी थी, आसपास भी पूछताछ कर रही थी। वहीं चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस होने के बाद भी हत्यारोपी मौके से गोली मारकर फरार होकर चुनौती दे दी। घटना के समय अन्य सवारी वाहन सहित सैकड़ों लोग खड़े थे, जहां गोली चलते ही भगदड़ मच गई। देर रात नौबस्ता पुलिस और गुजैनी थाने की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हत्यारोपी सौरभ सचान को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, हरिकरण मूल रूप से गाजीपुर के कुंडी का निवासी था और उसकी पत्नी का नाम रेणु, अमित कुमार और बहू रेशु सिंह के साथ बसंत बिहार स्थित काट के पुल के पास रहता था। उनकी बेटी सोनम सिंह और मोना की शादी हो चुकी, जबकि बेटा हमीरपुर के प्राथमिक विद्यालय में सरकारी अध्यापक के रूप में तैनात है। बहू वीडियो ब्लॉक स्थित जूनियर स्कूल में अध्यापक है। हरिकरण नौबस्ता चौराहे पर वैन स्टैंड संचालक था। रोजाना की तरह शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे वो घर से निकला और 8:30 बजे हरिकरण नौबस्ता चौराहा स्थित हनुमान प्रसाद ओझा के कचौरी होटल के बाहर कुर्सी में बैठकर पेपर पढ़ रहा था। तभी एक युवक टहलते हुए आया और तमंचे से उनकी कनपटी पर सटाकर फायर कर दिया। गोली लगते ही वो गिर पड़ा और हमलावर सौरभ सचान वहां से फरार हो गया। आपको बता दें, नौबस्ता के अवैध वाहन स्टैंड के खिलाफ लगातार आईपीएन न्यूज ने प्रमुखता से खबर कई बार दिखाई थी, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन के कान में चू तक नहीं रहेगी। आईपीएन न्यूज द्वारा लगातार प्रशासन को अवगत कराया जा रहा था कि अवैध वाहन स्टैंड से लगातार यहां पर अनेक समस्या बनी रहती है। अवैध टोकन मनी को लेकर यहां विवाद होता रहता है, लेकिन प्रशासन ने इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन ट्रैफिक पुलिस को मिल रही मोटी रकम ने शायद उनको अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करने से रोक दिया। यदि समय रहते प्रशासन चेत जाता तो शायद आज हरिकरण जिंदा होता और ये बड़ी घटना नहीं होती। आपको बता दें, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसमें ये बात निकल कर सामने आई थी कि हत्या स्टैंड के वर्चस्व और टोकन मनी को लेकर हुई है। कानपुर नगर में तमाम अवैध वाहन स्टैंड संचालित हैं, जिससे ट्रैफिक पुलिस विभाग सहित कई अधिकारियों को मोटी रकम मिलती है। जगह जगह चौराहों पर बेतरतीब खड़े वाहन पुलिस विभाग और ट्रैफिक पुलिस विभाग के डर से बेखौफ है, क्योंकि उनको ये मालूम है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। कानपुर नगर के विजयनगर चौराहा, रावतपुर चौराहा, गुरुदेव चौराहा, कल्याणपुर चौराहा, बड़ा चौराहा, यशोदा नगर चौराहा, नौबस्ता चौराहा सहित कई ऐसे चौराहे हैं जहां पर अवैध वाहन स्टैंड संचालित है और वो सब पुलिस की नजर में भी है, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसका कारण आप समझ सकते होंगे। आप देखना होगा कि वाहन स्टैंड के इस वर्चस्व के झगड़े में जहां एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी, अब देखने वाली बात आगे ये होगी कि कितनी और जान जाने के बाद पुलिस प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस विभाग अपनी नींद से जागेगा और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और ऐसे अवैध वाहन स्टैंडों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा कि ऐसी घटनाएं फिर से दोहराई ना जा सके।
आज दिनांक 5/7/2024 को थाना नौबस्ता पे लगभग 9 बजे सुबह एक सूचना आई थी कि एक व्यक्ति को नौबस्ता बाईपास है वहाँ पे गोली मार दी गई है। उस सूचना पर SHO नौबस्ता मैं पोस्ट के मौके पे पहुँचे थे और उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति को गोली लगी हुई है। उन्हें चिकित्सा उपचार के हेतु तत्काल वहाँ से एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ से डॉक्टर के द्वारा उन्हें रेफर किया गया और वहाँ से उन्हें हैलेट अस्पताल में जो बेहतर चिकित्सा उपचार के लिए वहाँ पे ले जाया गया, जहाँ दौरान इलाज उनकी दुखद मृत्यु हो गई। भट्टा के द्वारा, मेरे द्वारा और एडिशनल DCP और SHO सभी के द्वारा जो मौका मुआयना किया गया, फील्ड यूनिट की टीम वहाँ पे भी, फॉरेंसिक की जो टीम हमारी है वहाँ पे तत्काल प्रभाव से मौके पे आई और सर्विलांस की टीम भी हमारी वहाँ पे आई। सभी के द्वारा जो मौका मुआयना काफ़ी बारीकी से किया गया, वहाँ पे जो लोग थे उनसे भी पूछताछ की गई, आसपास के जो कैमरे ऑपरेशन दृष्टि के तहत में जो लगे हैं उन कैमरों को भी देखा गया। उसके बाद में हमें कुछ इंपॉर्टेंट लीड मिले, उस लीड के आधार पर जब हमने काम उसको डेवलप किया लीड को, तो एक जो है 4-व्हीलर के जो नंबर जो है हमें मिले, उस नंबर पर जब हमने डेवलप किया तो पता लगा कि एक जो है गाड़ी है और उस नंबर के आधार पर जो उसमें मोबाइल नंबर था ऑनर का, उसको हम लोगों ने ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद में हमारी टीम ने जो इनपुट मिले थे उसके आधार पर हम लोगों ने दबिश दी। दबिश देने के बाद वहाँ से जब उसको हमने पकड़ खिलाया, उससे घटना के बारे में पूछताछ करी गई, तो उसने जो है घटना को करना कबूल किया। उसके बाद में उससे आला कत्ल के बारे में पूछा गया कि जिस असल है से तुमने अपना कारिज करी है, वो आला कत्ल कहाँ है। उसके द्वारा बताया गया कि चलिए मैं आपको आला कत्ल बरामद करवा देता हूँ। उसके बाद में उसने जो है पुलिस को पहले घुमाता रहा, उनकी मैंने बिंदु लहर में फेंक दिया और फिर उसके बाद में उसने जब वहाँ पर पूछा गया तो वहाँ पर बिंदु लहर में वो जगह नहीं बता पा रहा था। फिर उसने बताया कि मैंने यहाँ पे जो जंगल है उधर मैंने फेंक दिया है, इस तरीके से घुमाता रहा। इसमें पुलिस से काफ़ी समय जाया था। फिर उसके बाद में उसे जब कड़ाई से पूछताछ की गई कि घटना तुमने कारित करी है, सारे हमारे पास साक्ष है, तुम बताओ, तो उसके द्वारा ये बताया गया कि मैंने घटना करने के बाद में कहाँ पे जो है आला कत्ल छुपाया है। उस स्थान पे पुलिस को जब उसे लाया गया तो जहाँ पे उसने आला कत्ल छुपाया था, जब वो झुक के जो है आला कत्ल जो उठाया और उसके बाद में जो पुलिस वाले उसके साथ में थे, अचानक उसको जो है धक्का दे के भागने लगा। चूँकि अभी बारिश भी हो रही थी उस समय, पहले की बारिश हुई थी तो यहाँ पे काफ़ी फिसलन है और जो जहाँ पे इसने आला कत्ल छुपाया था वो काफ़ी थोड़ा सा उबड़ खाबड़ वाली जगह है, तो जो हमारे पुलिस वाले थे वो गिर गए और ये व्यक्ति जो है आगे भागने लगा और भागने के क्रम में इसके द्वारा जो है पुलिस वालों के सामने एक फायरिंग करी गई। उस फायरिंग के दौरान में आत्मसुरक्षा जो है पुलिस के द्वारा भी गोली चलाई गई, जिसमें से उसको जो है गोली लगी है। गोली लगने के बाद में उसे चिकित्सा उपचार हेतु काशीराम अस्पताल में भेजा गया है, जहाँ पे उसका इलाज चल रहा है और जो घटनास्थल है उसको सुरक्षित कर लिया गया। घटनास्थल का मौका मुआयना फील्ड यूनिट के द्वारा किया गया है, उसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी बताई जा रही है और इसमें जो भी आगे जो चीज़ें होंगी उसके आधार पर उसमें अग्रिम भी करवाई है। क्या नाम है आरोपी का, कहाँ का रहने वाला? आरोपी जो है उसका नाम जो है सौरभ चौहान है और ये थाना क्षेत्र रेवना का रहने वाला है। क्यों हत्या करी इसका कुछ? इससे जब इससे पूछताछ करी गई कि घटना इस तरीके की घटना को तुमने क्यों कारित किया, तो उसके द्वारा बताया गया कि वो नौबस्ता जो बाईपास है वहाँ पे ये अपना जो है ये ओमनी वैन जो है चलाता है और जो मृतक है वो भी वहाँ पे अपनी गाड़ी चलाते थे, सवारी बैठाते थे। तो सवारी को बैठाने को लेकर कि पहले मैं सवारी बैठाऊँगा, पहले मैं आगे मेरी गाड़ी रहेगी, इस बात को लेकर इनमें जो है गहमागहमी हुई थी। कल की बात है और जिसको इसने रंजिश माना था, इसके पूर्व में भी इन दोनों में इस तरीके की बातें हुई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा स्थानीय थाना नौबस्ता के पुलिस के द्वारा 100/716 और 152 की कार्रवाई पूर्व में पुलिस के द्वारा की गई थी। और जो ये कल की जो बात हुई तो इसको इसने अपने रंजिश माना और उस रंजिश को लेकर आज इसने इस घटना को कारित किया। तो इसमें जो भी अन्य सारे जो चीज़ें हैं, जो अन्य भी अब हम लोग आगे डेवलप कर रहे हैं, इसमें जो भी चीज़ें आएगी और उसके आधार पर इसमें आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। उरई के राजकीय मेडिकल कॉलेज में नवागत प्रधानाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिवेदी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहली बार प्रेसवार्ता की। उन्होंने कहा कि राजकीय मेडिकल कॉलेज की MNC की मान्यता दिलाना और अव्यवस्थाएं दूर करना उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में अधिकांश दवाएं उपलब्ध हैं, जो दवाएं उपलब्ध हैं उनका डिस्प्ले भी कराया जाएगा ताकि दवाओं के बारे में सभी को जानकारी मिल सके। दवाओं की किल्लत न दर्शाई जा सके, जो कर्मचारी ड्यूटी पर होगा उसे दवाओं की जानकारी होगी। उन्होंने कहा कि उनको प्राथमिकता मेडिकल कॉलेज की MNC की मान्यता दिलाने का प्रयास करना है, साथ ही PG कोर्स में सीटें भी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। MNC ने मेडिकल कॉलेज में जिन बिंदुओं पर जुर्माना लगाया है उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। बायोमेट्रिक उपस्थिति सुधारी जाएगी, ब्लड बैंक की शिकायतें दूर होंगी, इमरजेंसी में होने वाले विवाद रोकने के लिए हर संभव
प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड जैसी सेवाएं नहीं मिल पा रही, इसके लिए अपने कुछ चिकित्सकीय स्टाफ को कहेंगे कि वो जरूरी अल्ट्रासाउंड भी करें ताकि मरीजों को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि फैकल्टी कम है, इसे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रशांत निरंजन, नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रीना कुमारी, डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा सहित और लोग भी मौजूद रहे। भोले बाबा ने वीडियो बयान जारी कर दी सफाई। मैंने अपने वकील एपी सिंह के माध्यम से समिति के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे शोक संतप्त परिवारों और घायलों के साथ खड़े रहें और जीवन भर उनकी मदद करें। और भी क्या कुछ कहा आइए जानें। एक वीडियो बयान में हाथरस भक्तड़ की घटना पर सूरज पाल उर्फ भोले बाबा ने कहा कि हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें इस दुख की घड़ी से उबारने की शक्ति दे। सभी शासन और प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है कि जो भी उपद्रवकारी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। मैंने अपने वकील एपी सिंह के माध्यम से समिति के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे शोक संतप्त परिवारों और घायलों के साथ खड़े रहें और जीवन भर उनकी मदद करें। ये बातें सूरज पाल उर्फ भोले बाबा ने एक वीडियो बयान जारी करके कहा है। आइए वो वीडियो सुनाते हैं आपको। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर एपी सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन मन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सदमति और सदबुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। कैरेबियन की धरती पर बारबाडोस में 29 जून को 17 साल बाद भारतीय टीम ने T20 विश्व कप अपने नाम किया है। ये इतिहास रचने के बाद जब शुक्रवार देर रात कुलदीप यादव अपने घर कानपुर पहुंचे तो एयरपोर्ट से लेकर उनके होम ग्राउंड और होम ग्राउंड से लेकर उनके घर तक जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कानपुर के क्रिकेट प्रेमी एक अलग ही जोश में दिखाई दिए। वहीं कुलदीप के साथ सेल्फी लेने वालों की होड़ देखने को मिली। कुलदीप यादव रात करीब 10 बजे कानपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहां पर उनके कोच कपिल देव पांडे अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और कुलदीप का भव्य स्वागत करने के बाद उन्हें अपने रोवर्स ग्राउंड ले गए। गले में तिरंगा डाले कुलदीप यादव जैसे ही एयरपोर्ट के बाहर आए तो लोगों ने भारत माता की जय, कुलदीप कुलदीप के नाम के नारे लगाने लगे। रोवर्स मैदान में पहुंचते ही वहां के खिलाड़ियों ने और क्षेत्रीय जनता ने कुलदीप का स्वागत किया। किसी ने उनको माला पहनाई तो किसी ने उन्हें गुलदस्ता भेंट किया। उनके साथ साथ कपिल पांडे का भी लोगों ने स्वागत किया। शहर पहुंचे कुलदीप यादव ने कहा कि अपने शहर का यह प्रेम मुझे हमेशा ही उत्साहित करता रहता है। T20 की यह जीत हमेशा याद की जाएगी। भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में कड़ी मेहनत की थी। हर खिलाड़ी ने इसमें अपना प्रदर्शन दिखाया। टीम के संयुक्त प्रयास से ही हम विश्व कप जीत सके हैं। जब प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई तो उन्होंने भी जीत की बधाई दी और भविष्य में इसी तरह खेलने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा था कि यह टीम इंडिया की जीत नहीं है, पूरे देशवासियों की जीत है, जिसने हम सभी को गौरवान्वित किया है। कानपुर में जुलाई की शुरुआत में रुक रुक कर हो रही बारिश ने मौसम को पूरी तरह ठंडा कर दिया है। हालांकि शाम को शहर के आजाद नगर सिविल लाइन समेत कई इलाकों में तेज बारिश हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भी बादलों के इस खेल से चिंतित है। बारिश का लगातार पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, लेकिन वर्षा औसत से अधिक नहीं हो पा रही है। कल सुबह 8 बजे से लेकर आज 8 बजे तक
लगभग 18 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सुबह भी मौसम सुहाना बना हुआ है, हल्की हवाएं चल रही, वहीं रात में 13 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। उत्तर पूर्वी हवाओं के निरंतर चलते रहने से लोगों को तेज धूप से राहत मिल गई। नमी का अधिकतम प्रतिशत 91 और न्यूनतम 75% रहा। हवा की रफ्तार भी बेहद कम रही। मौसम विज्ञानी डॉक्टर एस एन सुनील पांडे का कहना है कि बारिश को लेकर काफी अनिश्चितता बनी हुई है। मानसून के सक्रिय न होने से अपेक्षा के अनुरूप बारिश नहीं हो पा रही है। संभावना तो जताई जा रही है लेकिन बारिश नहीं हो पा रही है। उत्तर पूर्वी हवाओं के निरंतर चलते रहने से लोगों को तेज धूप से राहत मिल गई। नमी का अधिकतम 91% और न्यूनतम 75% रहा। हवा की रफ्तार भी बहुत कम रही। जुलाई के दूसरे सप्ताह में अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। टर्फ लाइन कानपुर के दायरे से बाहर है। बारिश से जून में हुई 45 मिलीलीटर बारिश से फसलों को अधिक लाभ नहीं मिला है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर सुनील पांडे का कहना है कि इस माह बारिश की संभावना अधिक है। ये 290 से लेकर 310 मिलीमीटर या इससे अधिक भी हो सकती है। हाथरस कांड का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। मधुकर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि हाथरस हादसे के बाद मधुकर पर 1,00,000 रुपए का इनाम रखा गया था। गिरफ्तारी के बाद शनिवार को देव प्रकाश मधुकर की हाथरस कोर्ट में पेशी होगी। सामने आया है कि देव प्रकाश मधुकर ने सरेंडर किया है। दिल्ली के नजफगढ़ उत्तम नगर के बीच के एक अस्पताल में यूपी की हाथरस पुलिस पहुंची थी। देव प्रकाश ने उनके सामने सरेंडर किया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हाथरस पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। हाथरस कांड में पकड़े जाने वालों की संख्या 7 हुई। हाथरस में बीते मंगलवार को हुए भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई थी। पुलिस प्रवचनकर्ता बाबा सूरजपाल के सेवादारों और सत्संग के आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है। इससे पहले 6 लोग पकड़े जा चुके हैं लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर फरार था, जिसे शुक्रवार शाम को गिरफ्तार किया गया। बाबा का खास है देव प्रकाश मधुकर। बता दें कि देव प्रकाश मधुकर ही हाथरस कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था। इसके साथ ही बाबा का खास आदमी था। हादसे के बाद बाबा ने उसी से फोन पर काफी देर तक बात की थी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक भगदड़ की घटना के बाद से देव प्रकाश मधुकर घर नहीं लौटा था। उसके परिवार के सदस्य भी लापता हैं। मधुकर के बारे में कहा जाता है कि वो एक समय जूनियर इंजीनियर था लेकिन बाद में बाबा सूरजपाल का बड़ा भक्त बन गया। देव प्रकाश मधुकर का घर सिकंदरा राव इलाके के दामादपुरा की नई कॉलोनी में है। बाबा का नहीं मिला सुराग। बता दें कि हाथरस में सत्संग करने वाले भोले बाबा के बारे में यूपी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। हाथरस भगदड़ कांड की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक SIT का गठन किया था, जिसने इस मामले में अब तक 90 लोगों के बयान दर्ज किए। ये जानकारी खुद SIT में शामिल आगरा जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अनुपम कुलश्रेष्ठ ने शुक्रवार को दी। अब तक दर्ज किए गए 90 लोगों के बयान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ ही इस हादसे की जांच करने वाले 3 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का नेतृत्व कर रहे हैं, जो 2 जुलाई को हाथरस में सत्संग के बाद हुई भगदड़ पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जिसमें 121 लोगों की जान चली गई थी। हाथरस में ADG अनुपम कुलश्रेष्ठ ने इस बारे में जानकारी देते हुए PTI को बताया कि अब तक 90 बयान दर्ज किए गए हैं और एक प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जबकि विस्तृत रिपोर्ट पर काम चल रहा है। पुलिस जांच की स्थिति के बारे में अधिकारी ने कहा कि जैसे जैसे और सबूत सामने आएंगे जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। बालाजी परिवार सेवा समिति ने कराया स्वास्थ्य परीक्षण शिविर और नेत्र परीक्षण शिविर। जांचकर्ताओं में डॉक्टरों ने आए हुए मरीजों की जांच की। बालाजी परिवार सेवा समिति और बालाजी मंदिर के सेवादार जगदीश चंद्र द्वारा लगातार जनहित के लिए काम कराए जाते हैं। उसी कड़ी में बारिश को देखते हुए हो रहे रोगों से बचाव के निदान और आए हुए लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं का परीक्षण किया गया और उनका निराकरण के लिए डॉक्टरों ने उचित सलाह दी। आपको बताते चले, बालाजी परिवार सेवा समिति श्री बालाजी धाम के तीर्थ और अमर उजाला फाउंडेशन के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर और नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन बालाजी मंदिर पनकी पड़ाव में आयोजित किया गया। इसमें मरीजों ने विभिन्न प्रकार की जांचें करवाई और आए हुए डॉक्टरों से उचित सलाह ली। आपको बता दें, बालाजी परिवार सेवा समिति द्वारा लगातार जनहित के लिए काम किए जाते हैं। उसी कड़ी में बारिश को देखते हुए हो रहे रोगों से बचाव का निदान और आए हुए लोगों के स्वास्थ्य समस्याओं का परीक्षण किया गया, उनका निराकरण के लिए डॉक्टर ने उचित सलाह दी। आपको बता दें, उजाला सिग्नस कुलवंती हॉस्पिटल से आई टीम में डॉक्टर दीपक देवेंद्र सिंह दीपा सहित अन्य सहयोगी उपस्थित रहे, जिन्होंने मरीजों का शुगर, BP सहित अन्य स्वास्थ्य परीक्षण और आई विजन टेस्ट किया। किस तरीके का कार्यक्रम था यहाँ पर और कैसा हमारे यहाँ पर मिला है, उसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये जो मौसम का परिवर्तन है, इसमें अनेक समस्याएं सबसे ज़्यादा होती हैं। ऋतु परिवर्तन के बाद लोगों में तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं, मौसम की वजह से जीवाणु जो परेशान करते हैं। तो इसको लेकर के अमर उजाला फाउंडेशन के माध्यम से और बालाजी धाम के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण के माध्यम से पूर्व से ही
अगर वो जान जाएं कि हमें इस प्रकार की समस्याएं हैं तो उसका समाधान बहुत आसानी से हो सकता है। और यही प्रयासरत है कि स्वस्थ भारत को लेकर के जो हम लोगों का मिशन है, मिशन बालाजी, घर घर तक कम से कम ये व्यवस्थाएं लाभान्वित करें। और संस्थाएं मिलकर काम कर रही हैं तो लोगों का भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और स्वास्थ्य परीक्षण के माध्यम से लोगों को ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। अच्छा, ये क्या इस तरीके का जो स्वास्थ्य शिविर है पहले भी कभी आयोजित हुआ है, ये अभी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं? संस्था कार्यरत है, छोटे छोटे समूहों के माध्यम से भी जानकारी लोगों को जागरूक कर रही है, लेकिन अमर उजाला फाउंडेशन के साथ ये इस बार पहली बार धाम में ये स्वास्थ्य शिविर आयोजन किया गया है जो वृहत स्तर पर कार्य कर रहा है। कैसा रिस्पांस आ रहा है निकल के? बहुत अच्छा है और लोगों को बहुत अच्छा लगा कि यानी कि ऐसी स्थिति यानी पर बनी है धाम में प्रभु के माध्यम से और संस्था के माध्यम से कि जो रोग मुक्त भारत का जो मिशन है उसमें ये बहुत बड़ी व्यवस्था है। लोगों को पूर्व से ही अगर जानकारी मिल रही कि कैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें और जो ये ऋतु परिवर्तन के समय जो समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान भी यहाँ पर मिल ही रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, पहल है बहुत अच्छी। ये जो बालाजी और तो इसके बारे में जैसे बताएंगे कि किस तरीके का यहाँ पर बालाजी का दरबार लगता है? जी जी, देखिए पहले तो मेरी बात को अगर बहुत थ्योरिकल अगर आप समझें तो बालाजी का जो मूल है तत्व शुद्धि, जैसे यानी कि यहाँ बीमारियाँ अगर हमारे साथ होती हैं तो उसका मूल कारण है हमारे जो पंच तत्व हैं वो अशुद्ध हो चुके हैं, उनके माध्यम से जो ऊर्जा शरीर में प्रवाहित होती है वो रुग्ण हो चुकी है। ऐसी स्थिति में मानसिक, शारीरिक और भी तमाम प्रकार की चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं। अब लेकिन भक्ति के प्रभाव को लोग समझ नहीं, भक्ति मीन्स यानी कि आपके शरीर का वह रसायन जो आपको पवित्र रखता है, जैसे एक इंजन को बेहतर चलाने रखने के लिए लुब्रिकेंट की आवश्यकता होती है, वैसे शरीर में हमारे जो ऑर्गन्स हैं इसको बेहतर बनाए रखने के लिए भक्ति चाहिए। भक्ति भी 64 प्रकार की होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भक्ति के माध्यम से हमारा शरीर स्वस्थ रहे। अब लेकिन हमारा खान पान ऐसा है तो मानव जनित विज्ञान तंत्र जिसको हम लोग तमाम प्रकार के डिवाइडों करते हैं, जैसे आयुर्वेद है, एलोपैथ है, तमाम प्रकार के हैं, एरोमा पद्धति है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सबका अलग अलग डाइवर्जन, मूल है तत्व की शुद्धि कैसे हो उसी के लिए ये व्यवस्थाएं सृजित की गई हैं। लेकिन भटकाव आ जाता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, प्रकृति में जितनी भी यानी कि विज्ञान की व्यवस्थाएं हैं जो मानव ने सृजित की हैं कहीं ना कहीं उसमें पूरा कृपा यानी कि सूक्ष्म ऊर्जाओं की ही है, तो यह धाम वैसे भी सूक्ष्म ऊर्जा शुद्धिकरण का एक केंद्र है। अगर देखा जाए तो मानव जीवन जो मानसिक रूप से परेशान है, शारीरिक रूप से परेशान है, तो पितृशक्ति ही उसमें सबसे बड़ा कारण है। अगर हमने अपनी पितृशक्ति को पवित्र कर लिया तो आपके अंदर अपने आप ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जिनके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, भक्ति भी तभी स्थिर हो पाएगी, नहीं तो भक्ति का दिखावा ही हो रहा है इसमें। इसलिए यानी कि धाम की जो महत्वता है सबसे पहले वो आपको पवित्र करने की व्यवस्था करता है। श्री बालाजी महाराज की कृपा से वो तो वैसे भी अष्ट सिद्धि नवनीति दाता जिसमें वह स्वयं भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, राम नाम का प्रचार कर रहे हैं, तो उसका मूल यही है कि आप भक्ति के विशेष स्वरूप को जानें, जहाँ पर आपके अंतर्मन में जो पंच मकार हैं जिनको यानी कि हम लोग बीमारियों के रूप में जानते हैं, मानसिक बीमारियों के रूप में जानते हैं, वो अगर पवित्र हो जाएंगे तो आपका जीवन अपने आप बेहतर हो जाएगा, आपके शरीर के ऑर्गन्स अपने आप बेहतर काम करने लगेंगे। बस यही है बालाजी महाराज के पितृ तीर्थ, यही है जिससे यानी कि लोगों का कल्याण हो। मेरा नाम डॉक्टर दीपक तिवारी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा महान जी के नेतृत्व में ये कैंप चल रहा है और मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसे हर बार आने का मौका मिले मुझे। अच्छा, किस तरीके के यहाँ पर जो आपका ये स्वास्थ्य शिविर है निःशुल्क, किस किस तरीके की यहाँ पर स्वास्थ्य जो जांच की जा रही है? इसमें क्या बेसिकली जो भी किसी प्रकार की कोई सर्जरी होगी वो हॉस्पिटल के माध्यम से निःशुल्क रहती है, बाकी CBC वगैरह, BP, शुगर, ये सारी चीज़ें रहती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जैसे आप जो भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं दिखाने तो उनकी जांच के साथ भी उनको और भी चीज़ें कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं? हाँ। या उनको रिकमेंड कर रहे हैं कि किस तरीके को अपने? देखिए बेसिकली यहाँ पे ये चल रहा है कि जांच हो रही है, जांच के बाद हम लोग मेडिसिन दे देते हैं, मेडिसिन पर्चे पे लिख देते हैं, वो बाहर से परचेज कर सकते हैं।
और इसके बाद भी अगर कोई चीज़ें रहेंगी जो फ्लैक्स नहीं मिलेगा तो उसके लिए हॉस्पिटल में निःशुल्क वो पर्चे के साथ आएंगे और उसी से डॉक्टर ओपीडी करेंगे स्पेशलिस्ट। एक स्वस्थ शरीर के लिए, इंसान के एक स्वस्थ शरीर के लिए क्या उन्हें मुख्य रूप से करना चाहिए, उनका स्वस्थ जो है शरीर स्वस्थ शरीर के लिए सबसे पहले उनका जो डाइट है वो ज़्यादा बेटर रहनी चाहिए और लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छी रहनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आज के टाइम पे सारी चीज़ें गड़बड़ होती जा रही हैं, हम लोग बाहर का जंक फूड खा रहे हैं उससे चीज़ें और बिगड़ रही हैं और सोने का तरीका गलत हो गया है, देर रात तक हम लोग जगते हैं, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ये अभी कार्यक्रम जैसे कितने बजे से कितने बजे तक यहाँ पर आएगी त्रिविंद भैया बता पाएंगे। आप मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए IPN न्यूज़।